कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली के अमरौधा चौक इंचार्ज सभाजीत पटेल पर लाखों रुपए की लकड़ी चोरी करने का आरोप लगा है। दरअसल दौलतपुर घाट के रास्ते में बेशकीमती शीशम के पेड़ लगे थे और जिस पर अमरौधा चौक इंचार्ज ने कटवा डाला और जेसीबी से जड़ तक खुदवा कर पेड़ का नामो निशान तक मिटा डाला और कुछ लकड़ी अपने घर भिजवा दिया और कुछ लकड़ी सट्टी थाना क्षेत्र के एक भट्टे में रखवा दी। इस संदर्भ में वन विभाग की तमाशबीन बना रहा। जिले के वन अधिकारी का कहना है कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पेड़ कटवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत महंगी जाती है, महंगी जाती तो वही तो उनने कटाई तो धरो रहा है का लाल सब कर जाए है। हाँ, सही गरीब तो। आदमी की व्यालन में ठाड़ है, कटाई ले जा तो अपन भाग न धरोगा न सब तो आदमी रहेगा दो ट्रैक्टर ना करी का खाइए का धरोगा दो तीन ट्रैक्टर करिए। नहीं, परमिशन के एक्चुअली वो सरकारी पेड़ नहीं है, वो निजी किसी का कृषक का होगा। तो ये जो अभी तक हमें मैंने ज्ञात हुआ, हमारे संज्ञानित है, तो उसमें उसको परमिशन लेके कटवाना चाहिए था, तो बिना परमिशन कटवाई अब जो वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये जाँच का बिंदु है, अगर किसी के बारे में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्होंने लकड़ी की चोरी की है या गलत तरीके से उसको वहाँ से हटा दिया है, तो इसमें जो भी उनके नियंत्रक प्राधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक, उनसे बात करेंगे और अगर इसमें सत्यता पाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।